हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जकी। क्या आप भी अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में कुछ इस तरह का टास्क स्विचर लगाना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लगा के रखा है। कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, काफ़ी इंप्रेसिव है। और यहीं से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपने रिसेंट में कोई एप्लीकेशन ओपन किया था, वो यहाँ से आप लोग ओपन कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ओपन करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा क्रोम जो है वो ओपन हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में कुछ इस तरह का टास्क स्विचर देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस पे टास्क बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। ये डिफ़ॉल्ट है, बट यहाँ पर आप कुछ एडवांस लगा सकते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पर देख सकते हैं। और यहीं से कुछ एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं जो आपने रिसेंट में ओपन किया था। इसी के साथ गाइज, आप चाहें तो इसका पॉपअप भी ओपन कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओपन इन पॉपअप व्यू। अगर आप लोग इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका उस एप्लीकेशन का पॉपअप व्यू ओपन हो जाएगा। और यहीं से आप अपना मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अपने डिवाइस में। तो कैसे करेंगे आज के वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ। तो बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले गाइज आपको चलना होगा यहां पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर ओपन होने के बाद आपको ऊपर में सर्च करना होगा गुड लॉक। आई होप इसके बारे में आप लोग तो जानते होंगे, गुड लॉक एप्लीकेशन जो सैमसंग अपने फोन में प्रोवाइड करता है। यहां पर देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने सैमसंग गैलेक्सी फोन में। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको चले आना है यहाँ पर फैमिली में। फैमिली में आएंगे तो यहाँ पर आपको वन हैंड ऑपरेशन प्लस देखने को मिलता है। ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका वन हैंड ऑपरेशन प्लस आपका ओपन हो जाएगा। आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होगा, तो आप यहाँ पर इसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में जो आ रहा है लेफ्ट हैंडल, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और इसको एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका लेफ्ट हैंडल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है शॉर्ट स्वाइप। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में जो ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेट राइट, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा टास्क स्विचर। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टास्क स्विचर, सिंपली आपको इसको एनेबल कर लेना है इस पर टैप करके। यहाँ पर देख सकते हैं ये एनेबल हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग देखने को मिलता है। सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आप अपना चूज कर लीजिएगा 8 रखना चाहते हैं या 9 रखना चाहते हैं या 10 रखना चाहते हैं। तो 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपको 9 और 8 ही रखना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिनिमाइज बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर स्लाइड करना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका एडवांस टास्क स्विचर ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। काफ़ी इंप्रेसिव है और काफ़ी एडवांस तरीके का लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट भी सकते हैं और यहाँ पर आप इसको ओपन भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और बहुत ही फास्ट तरीके का ये ओपन होता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, आप कहीं से भी इसको स्लाइड कीजिएगा और ये आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद गाइज अगर आप चाहें तो इसका पॉपअप विंडो भी बना सकते हैं या फिर स्प्लिट स्क्रीन व्यू भी बना सकते हैं। जैसे इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका स्प्लिट व्यू ओपन हो जाएगा। इस पर अगर आप लोग ओपन करते हैं तो यहाँ से आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एडवांस लग रहा है। उसके बाद गाइज अगर आप लोग इधर और स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक सर्च बटन। अगर आप लोग इस पर टाइप करते हैं यहीं से आप अपना सर्च कर सकते हैं, कुछ भी फोटोज़ हो या फिर आप फाइल हो या फिर कोई एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो आपके फ़ोन में, वो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो जरूर से यहाँ पर ट्राई कर लीजिएगा। सो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग कोई एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो और अचानक से आपको पिछले वाले एप्लीकेशन पे स्विच करना है जो आपने रिसेंट में ओपन करके रखा था, पहले क्या करना होता होगा, यहाँ पर आपको नेविगेशन बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको टास्क स्विचर वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको टैप करना होता है और यहाँ पे आप पिछले वाले एप्लीकेशन पे स्विच कर सकते हैं। बट गाइज जो मैंने बताया एडवांस टास्क स्विचर के बारे में, वो काफ़ी एडवांस है और बहुत ही फास्ट ओपन होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। सिंपली आपको ऐसे खींचना है और यहाँ से आपको गुड लॉक एप्लीकेशन पे चले आना है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और रिसेंट में जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन करके रखा है उस पर आप जल्दी से जल्दी स्विच कर सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज देखने को मिलता है इस फीचर को यूज़ करने के बाद। तो यही बताना था आप लोग को वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।